नमस्कार, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 40वीं छात्र कला प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस अवसर पर मैं सभी पुरस्कृत छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ। पुरस्कृत 10 छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये के नकद पुरस्कार ऑनलाइन माध्यम से दिए जा रहे हैं। राज्य की समसामयिक कला के विकास में युवा कलाकारों की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य के युवा कलाकार अपनी रचनात्मकता के माध्यम से नित नए अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि राज्य में कला का भविष्य उज्ज्वल है। राज्य सरकार कला को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक गतिविधियों का राजस्थान ललित कला अकादमी के माध्यम से आयोजन करती रही है, जिसमें प्रदर्शनी, सेमिनार, कला मेला, कला संगोष्ठी आदि सम्मिलित हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि इन आयोजनों के में युवा कलाकारों की अधिक से अधिक भागीदारी हो। कला विद्यार्थी भविष्य में कलाकार बन आम जन को अपनी कला कौशल से प्रभावित करते हैं। मैं पुनः उन सभी कला से संबंधित विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जो पुरस्कृत हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन वर्चुअल किया जा रहा है। भविष्य में अवसर मिलने पर मैं स्वयं आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर आपको बधाई देने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। नमस्कार, राजस्थान ललित कला अकादमी की 40वीं छात्र कला प्रदर्शनी में कुल 231 छात्रों की 555 कलाकृतियाँ हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें से निर्णायक मंडल द्वारा 84 छात्र छात्राओं की 96 कलाकृतियों का चयन किया गया। इसमें पुरस्कृत कृतियाँ भी सम्मिलित हैं। पुरस्कार पाने वाले छात्र छात्राओं में दीपा कुमावत, परोमिता शाह, अमर प्रजापत, सुभाष चंद्र बैरवा, महेश कुमावत, संजय कुमार बैरवा, विजय सिंह बेनीवाल, नरेंद्र कुमार सैन, अजय कुमार, आशुतोष मिश्रा, इन छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है। प्रत्येक 10 छात्र छात्राओं को 10,000 के नगद पुरस्कार ऑनलाइन के माध्यम से राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा भेजे जा रहे हैं। मैं अपनी और अपनी अकादमी परिवार की ओर से पुरस्कार चयनित कलाकारों को हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। चूंकि कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, तो कोरोना के कारण जो कोरोना की जो हमें गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई है, उसके अनुसार इस प्रदर्शनी का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में माननीय कला संस्कृति मिनिस्टर बुलाकी दास जी कल्ला मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विद्यासागर जी उपाध्याय इस प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित करके इसको वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं।
40वीं छात्र कला प्रदर्शनी अपने आप में एक लैंडमार्क है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट छात्र कला प्रदर्शनी से लगातार प्रदर्शनियां देख रहा हूं और अच्छी बात ये लग रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। पूरे राजस्थान से विद्यार्थी आते हैं, इसमें भाग लेते हैं और अपनी कलाकृतियाँ भेजते हैं। काफ़ी विकासशील ये प्रदर्शनी है, कुछ काम बहुत अच्छे हैं, कुछ काम में लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारी काफ़ी अच्छी है और संभावनाएं बहुत अच्छी रखती हैं। ललित कला एकेडमी का यह कार्यक्रम अनवरत चल रहा है, इस विषम परिस्थितियों में भी छात्र कला प्रदर्शनी का उद्घाटन अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमारी कलात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है। ललित कला एकेडमी को बधाई और जो पुरस्कृत छात्र हैं उन सभी को बधाई।
राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 40वीं छात्र कला प्रदर्शनी के इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं वरिष्ठ चित्रकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी का, जिन्होंने भी अपना अमूल्य समय देकर छात्रों को प्रोत्साहित किया। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये प्रदर्शनी वर्चुअल की जा रही है, पर माननीय मंत्री महोदय का जो विशेष स्नेह कलाकारों के प्रति रहता है, तो सारा कलाकार जगत आपका हमेशा आभारी रहेगा।